स्टैटिक नेट आ गया जी ट्वाइस नेट के जरिए, इसमें इनसाइड यूजर बनाया गया ऑब्जेक्ट, उसमें एक आईपी दिया है, पब्लिक आईपी का ऑब्जेक्ट बनाया गया उसमें एक ही आईपी दिया है, टारगेट यहां भी बनाया गया है क्योंकि वो तो देना ही है, और यहाँ कमांड दे दी गई है नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड सोर्स स्टैटिक। अब आप देखिए यहाँ पे सोर्स में डायनेमिक की बजाय लव्स स्टैटिक आ गया है, डेस्टिनेशन में तो लव स्टैटिक चल ही रहा है तब से, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, बट हियर वी हैव एन ऑप्शन ऑफ यूजिंग स्टैटिक और डायनेमिक, बट दिस टाइम वी आर गोइंग विद स्टैटिक, और इनसाइड यूजर को ट्रांसलेट कर दें पब्लिक आईपी 1 पर अगर ये जाए इस डेस्टिनेशन की तरफ। सो सिंपल, दिस इज स्टैटिक नेट यूजिंग ट्वाइस नेट। स्टैटिक पैट आ गया जी पोर्ट फॉरवर्डिंग, जिसमें हम एक ही पब्लिक आईपी की मुख्तलिफ पोर्ट्स के जरिए मल्टीपल प्राइवेट आईपीज को पब्लिश कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। तो इसमें इनसाइड यूजर बनाया जा रहा है, वही पब्लिक आईपी बनाया जा रहा है, और इसमें अब ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सर्विस भी बनाया जा रहा है, उसमें पोर्ट बताई जा रही है जो रियल पोर्ट है जिस पर अंदर लिसनिंग हो रही है, सर्विस टीसीपी सोर्स EQ 23, और इसी तरह ऑब्जेक्ट सर्विस पब्लिक पोर्ट बनाया जा रहा है विच इज सर्विस टीसीपी सोर्स EQ 23 23। मींस बाहर कोई 23 23 को हिट करे तो हम उसको अंदर 23 पे ले आएंगे। इसमें ये चीज जहन में रखिएगा कि हम ऑलवेज यहाँ सोर्स इक्वल टू देते हैं, वी डू नॉट यूज डेस्टिनेशन इक्वल टू, वी आर गिविंग सोर्स इक्वल टू। सो ये इंटरनल सर्वर के परस्पेक्टिव से है, सो फ्रॉम इंटरनल सर्वर्स परस्पेक्टिव हम ये दे रहे हैं, इंटरनल सर्वर की जो सोर्स पोर्ट है वो 23 है, तो हम उस तनाजर में ये मेंशन कर रहे हैं, और उसकी जो सोर्स पोर्ट बाहर के लोगों को नजर आएगी वो 23 23 होगी, हम इस तनाजर में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको ट्वाइस नेट में कॉल कैसे किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सर्विस को। सो नेट इनसाइड कॉमा आउटसाइड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चल रहे हैं, सोर्स स्टैटिक इनसाइड यूजर को इस पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर दें, अब हम डेस्टिनेशन नहीं दे रहे, नाउ वी आर मेंशनिंग सर्विस, देन वी आर कॉलिंग रियल पोर्ट जिस पर अंदर लिसनिंग हो रही है, एंड देन वी आर कॉलिंग द पब्लिक पोर्ट ऑब्जेक्ट जिस पर बाहर से लिसनिंग करवानी है। सो दिस इज हाउ इट इज, इसके अंदर फिर हम डेस्टिनेशन नहीं दे रहे जब हम स्टैटिक पैड कर रहे हैं यूजिंग ट्वाइस नेट, दिस इज रिगार्डलेस ऑफ डेस्टिनेशन क्योंकि इसका मकसद और है, हियर वी वांट समबॉडी फ्रॉम इंटरनेट टू हिट योर पब्लिक आईपी ऑन पोर्ट 23 23, और उसको फिर अंदर हम लाना चाहते हैं ऑन योर प्राइवेट आईपी लेट से 10 111 और उसकी पोर्ट 23। सो दिस इज पोर्ट फॉरवर्डिंग या स्टैटिक पैट, ये पहले भी प्रीवियस सेशंस में हमने ऑब्जेक्ट नेट में किया था, बट दिस टाइम वी आर स्टडिंग इट इन रिगार्ड्स टू ट्वाइस नेट। अब रह गया जी हमारे पास आइडेंटिटी नेट, और आइडेंटिटी नेट ये एक ऐसा यूज केस है जो कि जब भी आप आइडेंटिटी नेट करेंगे तो तकरीबन हर दफा ही आप ट्वाइस नेट के जरिए ही कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें इसकी ये जो डेस्टिनेशन ओरिएंटेड नेचर है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है आइडेंटिटी नेट में। यू रिमेम्बर व्हाट इज आइडेंटिटी नेट, इसमें हम किसी शख्स को उसी के अपने आईपी में ही ट्रांसलेट कर देते हैं, और ये यूज होता है यूजली वीपीएन में। सो सिनेरियो ये होता है कि योर लैन इज गेटिंग लेट से पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेटेड ऑन टू योर आउटसाइड, सो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग,
बट एट द सेम टाइम यू वॉन्ट एक्सेप्शन, आप एक्सेप्शन चाहते हैं. वॉट एक्सेप्शन डू यू नीड? एक्सेप्शन आप ये चाहते हैं कि यही लैन अपने लैन वाले आईपीज में ही होल्ड करे, डायनेमिक या स्टैटिक, विच एवर वे यू वॉन्ट. ये लैन इसी में स्टैंड करे अगर टारगेट जो है वो वीपीएन है. सो हम चाहते हैं कि लैन पैट हो जाए आउटसाइड इंटरफेस के आईपी के ऊपर. ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें हम ब्राउजिंग कराना चाहते हैं. सो प्रोबेबली आप ये करेंगे ऑटोनेट के जरिए. अगर आप ये ऑटोनेट के जरिए करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी आपके सेक्शन 2 में. अब अगर आपने एक्सेप्शन क्रिएट ना की फॉर वीपीएन, अगर आपने एक्सेप्शन क्रिएट ना की फॉर वीपीएन तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब आपका लैन वीपीएन के टारगेट से बात करने की कोशिश करेगा तब भी पैट हो जाएगा outside interface, and that is where we will have a conflict in communication. So in order to create an exception for VPN, aap chahenge ki LAN should remain in the form of LAN if the target is VPN. To phir aap ye wali commands de denge. Ye commands aapki instructions ko le jayengi section 1 mein. Natija kya niklega? For those packets jo LAN se niklenge aur wo jayenge लैन से निकलेंगे और वो जाएंगे इंटरनेट की तरफ, रिजल्ट ये होगा कि वो पैट हो जाएंगे. और जो पैकेट निकलेंगे लैन से और वो जाएंगे वीपीएन की टारगेट की तरफ, नतीजा ये निकलेगा कि वो नो नेट हो जाएंगे. नो नेट का मतलब है कि वो ट्रांसलेट अपने ही आप में हो जाएंगे, इन अदर वर्ड्स आइडेंटिटी नेट हो जाएंगे. तो ये तो तकरीबन 100% यूज केस है कि जिस एएसए पर बयक वक्त, जिस एएसए अप्लायंस पर बयक वक्त वीपीएन भी आ रहा हो और इसके ऊपर बयक वक्त आप इंटरनेट ब्राउजिंग भी यूज करें, तो लैन के जो लोग हैं उनको बयक वक्त वीपीएन से भी बात करनी है, इंटरनेट पर भी जाना है, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमने डिस्कस की है ये लाजमी करनी पड़ती है. इंटरनेट पे जाने के लिए पैट करना पड़ता है, वो हम ऑटोनेट के जरिए कर लेते हैं, सेक्शन 2 में आ जाता है. और लैन को अगर वीपीएन में जाना है तो उसके लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी नेट, ताकि वो वीपीएन की कम्युनिकेशन में एज इट इज मूव ऑन करें. सो ट्वाइस नेट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिटी नेट सिनेरियोस, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन बेस्ड डिसीजन हो रहा है. कर आप ऑब्जेक्ट नेट से भी सकते हैं बट उसमें डेस्टिनेशन बेस्ड डिसीजन नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है. तो कैसे करते हैं आइडेंटिटी नेट? इनसाइड कॉमा आउटसाइड सोर्स स्टैटिक माई लैन ऑब्जेक्ट इन टू माई लैन. अब डेस्टिनेशन में स्टैटिक हियर यू डिफाइन टारगेट, इट कैन बी ए कंप्लीट सबनेट, वीपीएन का सबनेट हो सकता है, कोई स्पेसिफिक आईपी हो सकता है, दिस इज अप टू यू. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन व्हेन इट कम्स टू ट्वाइस नेट.